अस्सलाम वालेकुम नाजिन, हैदराबाद टुडे न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ सैयदा साजिदाउद्दीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद टुडे न्यूज़। चिंतलमेंट के उर्दू मीडियम स्कूल के पास एक 8 साल मासूम बच्चा शॉक लगने से हुआ जख्मी। मुकामी सोशल वर्कर सैयद वसीम ने मीडिया को तफसीलात बताया। चिंतलमेंट उर्दू मीडियम स्कूल के दीवार को लग के 2 ट्रांसफार्म है, जिसकी वजह से पहले भी शॉक लगने से एक मासूम जख्मी हो गया था। फिर आज दोपहर में स्कूल के लंच टाइम में बच्चा खेलते हुए दीवार नीचे रहने की वजह से ट्रांसफार्म से जाकर टकराया। मुकामी लोगों ने देखकर उस मासूम की जान बचाई। जख्मी फरीद को उस्मानिया हॉस्पिटल इलाज के लिए मुंतकिल किया गया। मुकामी लोगों ने मीडिया के सामने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की लापरवाही से ये दूसरा वाकया पेश आया, कहते हुए जल्द से जल्द ये कहा कि ट्रांसफार्मर को हटा देना या फिर स्कूल की दीवार को ऊंचा करने की मांग की। देखने की बात यह है कि मौके पर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लोग ना आने पर मुकामी लोगों ने अपनी नाराजगी दिखाई। आइए सुनते हैं इन्हीं लोगों का बयान। रिपोर्टर अब्दुल फेरोज के साथ मैं सैयदा साजिदा, हैदराबाद टुडे न्यूज। ये देखो भाई, आप कितनी दूर पे है, दो फिर छोटा से छोटा 5 साल का बच्चा भी रहा था, जंक्शन को पकड़ लेता हम ना बुरे जनी यहाँ पे आके ये वायर को मारने से वायर टूट के बच्चे की जान बच गई, नहीं तो स्पॉट पर बच्चा जल के मर जाता था। ये जंक्शन देखो, आप 3 फीट भी हाइट नहीं है, छोटा से छोटा 5 साल का जो बच्चा रहा तो ऊपर चढ़ जाता। ये एक ही जंक्शन है और एक भी जंक्शन है, जंक्शन देख सकते आप, स्कूल की बाउंड्री को लगे है क्या है, सलाम मेरिया उर्दू स्कूल है, अरबी स्कूल है बोल के इसके बाजू लगा दिए। इसके जिम्मेदार कौन है, इसके इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट इसका जिम्मेदार है। देखो आप, ये तो 2 फीट की हाइट पे छोटा से छोटा बच्चा भी इसके ऊपर चढ़ जाता, खेलते कूदते मासूम बच्चों को क्या मालूम करंट लगता है, जान जाती बोल के उनको मालूम रहता। स्कूल की बाउंड्री है, खेलने निकलते, एनरोलमेंट निकलते, मैनेजमेंट क्या बोल के देखेगा, छोटे बच्चे खेलते खेलते जंक्शन को लगा मर जाते बच्चे, जाएंगे यहाँ पे एक जंक्शन है, वहाँ पे एक जंक्शन है, वहाँ और एक पीछे एक जंक्शन है। स्कूल के 4 दीवारी में 3 जंक्शन है ये स्कूल के पास। ये जल्द से जल्द इसका काम होना या ये बाउंड्रियाँ ऊपर हाइट हो जाना या नहीं तो जंक्शना हटा देना, यहाँ से कहीं भी दूसरी जगह लगा दे। बोलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद वसीम सुलेमान नगर चिंतलमेट से जा रहा था। यहाँ पे उर्दू स्कूल के पास एक जंक्शन है, स्कूल की बाउंड्री को लग के एक छोटा सा बच्चा खेलते हुए आया, आने के बाद उसको करंट का शॉर्ट लग गया, जंक्शन को चिपक गया और जो है सो बच्चा मुकामी लोगों ने आवाज़ दी, मैं भी जाने वाला, रुक के लकड़ी से मार के वो वायर को गिरा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे की जान बच गई। अभी उस्मानिया में बच्चा इलाज हो रहा दवाखाने में है। अभी तक यहाँ पे कोई लोकल लीडर आया नहीं, यहाँ पे देखा नहीं, कोई मुआयना करे नहीं। ये सब किस वजह से हो रहा, स्कूल के बाउंड्रियाँ 2-2 फीट के है, उसको लग के जंक्शन है। इससे पहले भी थोड़े दिन पहले अपोजिट सामने एक जंक्शन है, वहाँ पे भी एक बच्चे को शॉट लग के ऐसी छोगा। और जो है इसके जिम्मेदार कौन है, लोकल लीडर्स इसके जिम्मेदार है और डिपार्टमेंट के लोग क्या कर रहे हैं, ये जल्द से जल्द आके डिपार्टमेंट के लोग लोकल लीडर ये बाउंड्री को उठा देना ऊपर एक 10-12 फीट, या नहीं बोले तो जंक्शनों को हटा देना यहाँ पे से, कुछ तो भी करना है। अभी तक शॉट लग के 5-6 घंटे होगा, कोई लीडर यहाँ पे मौजूद है नहीं और काम के टाइम पे आ रहे नहीं, कुछ भी कर रहे नहीं। आखिर ये सलम एरिए में इतना लोग ऐसा कई को कर रहे समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे नज़रअंदाज चिंतलमेट डिवीजन को नज़रअंदाज कर रहे, टाइम पे काम आने हो रहे, लाइटों के टाइम पे रोडों के काम आने हो रहे, कोई काम आने हो रहे, इसके ज़िम्मेदार कौन है, बच्चे मर गए तो इसके ज़िम्मेदार कौन है। और हम खामोश नहीं बैठेंगे, इंशाल्लाह हम पूरे पब्लिक मिल के धरना देंगे ऑफिसों पर, करंट डिपार्टमेंट के ऊपर भी देंगे, ये लोकल लीडरों का भी बताएंगे। पब्लिक आवाम दीवानी नहीं है, पब्लिक खामोश बैठने वाली नहीं है। आप लोगों को लोकल लीडरों को मैं बोल दे रहा हूँ, जल्द से जल्द आप लोग यहाँ पे आके मुकाम पे ये बाउंड्री उठाना, यहाँ से नहीं तो जंक्शन हटा देना। स्कूल के बच्चे छोटे छोटे बच्चे है, मैनेजमेंट क्या करेंगे, स्कूल छूटने के बाद से भी हो सकता, कभी भी हो सकता, छोटे बच्चे उनको क्या मालूम करंट है क्या है। 2 फीट के बाउंड्रियाँ हैं, आप लोग देख सकते, 3 जंक्शन ये स्कूल को लगे है अपोजिट में, और हाइट पे भी नहीं, तकरीबन 2-3 फीट हाइट पे जंक्शन लगाए हुए है। नीचे से भी वायरों के डब्बे लगा दिए, बच्चे कचरा फेंकने में भी आ गए, छोटे बच्चे तो करंट लग के मर जाते। और ये कचरा फेंकने के डब्बे वाले रोडों पे डब्बे लगा दे के चले आ रहे, GHMC वाले कचरा साइड में नहीं जा रहे, डब्बे लगा के साइड में दीवारों को लग के नहीं लगा रहे, इसके जिम्मेदार कौन है, डिपार्टमेंट आखिर क्या कर रहा है, GHMC वाले क्या कर रहे, टाइम पे काम आने, टाइम पे रोडों पे नालियाँ नहीं बन रहे,
हर टाइम पे जंक्शनों का काम, करंट का काम नहीं हो रहा, कहीं जाना चले जा रहे सुलेमान नगर चिंतलमेट के अंदर, ये सलम एरिया है बोल के इसको लाइट ले लिए, क्या है आखिर लीडरों का समझ में नहीं आ रहा। आ रहे देख रहे, आ रहे बजट पास होगा, अब अरे रोडा खुद दे रहे छोड़ दे रहे चले आ रहे, बहुत सारे चीज़ें बहुत सारे काम आए चिंतलमेट में। मैं लोकल लीडर से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ के हर आदमी से गुजारिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द आके ये काम को देखना, नहीं तो हम पब्लिक डिपार्टमेंट के लिए कोई डिपार्टमेंट अहदेदार आए थे क्या यहाँ? कोई डिपार्टमेंट अहदेदार नहीं है अभी तक, कोई एक लीडर लोकल लीडर भी आके यहाँ पे देखा नहीं कि यहाँ पे क्या हुआ, बल्कि स्कूल के मैनेजमेंट के सर ले लेके इमीडिएटली दवाखाने को लेके गए उनके फैमिली के साथ। बच्चे का नाम क्या है? छोटा बच्चा है, 5-6 साल का बच्चा है, फरीद है बच्चे का नाम। ఉన్నటువంటి కాంపౌండ్ వాళ్ళు అసలు తగ్గిపోయింది, హైట్ తగ్గిపోయింది, ఇక్కడ లోపల మట్టి నింపడం వలన, తర్వాత అది ఎలక్ట్రిక్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫార్మర్ స్కూల్ కాంపౌండ్ వాళ్ళకు దగ్గరగా వేయడం వలన ఆ పిల్లవాడు మరి ఆడుకుంటూ దాన్ని ముట్టుకోవడం జరిగింది, అది ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. ఇంతకుముందు ఈ సంఘటన కూడా జరిగింది, ఇప్పుడు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నా సంఘటన జరగకుండా మీరు? ఇంకా సంబంధిత డిపార్ట్మెంట్కి తెలియజేస్తాము, మరి వారిని అది ట్రాన్స్ఫార్మర్ షిఫ్ట్ చేయడానికి కోరుకుంటాం ఇక్కడ నుంచి. మీ పేరు ఏంటి సార్? నా పేరు రామ్ రెడ్డి. మరి ఇంతకుముందు జరిగినటువంటి విషయం అయితే నాకు తెలియదు, మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఆ ప్రాంతంలో మరి హెడ్మాస్టర్ తెలిపడం జరిగింది, నేను శంషాబాద్లో ఉండి అక్కడ మీటింగ్లో ఉన్నాను, ఒక వచ్చిన పిల్లవానికి కావలసినటువంటి వైద్య సహాయం అందించమని చెప్పాను. వెంబడేవారు ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో చేరడం జరిగింది, పిల్లవాని యొక్క పరిస్థితి మా ఆరోగ్యం మెరుగుతున్నారు కూడా దగ్గరగా ఉండి వారికి వైద్యులతో మాట్లాడి సరైన దీనికి తర్వాత ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి. ఆ కాంపౌండ్ వాళ్ళు హైట్ తగ్గడం వలన మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి టీచర్స్ పిల్లలకు ఇక ముందు కూడా ప్రమాదం జరగకుండా వాళ్ళు ఒక సొంత డబ్బులతోని కాంపౌండ్ వాళ్ళు హైట్ పెంచడానికి కూడా వాళ్ళు రేపటి నుంచి ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పింది, కాబట్టి అది ఒక మంచి పరిణామమే. అదే కాకుండా స్పాన్సర్స్ను ఇంకెవరైనా స్పాన్సర్స్ ముందుకు వస్తే ఇంకా మొత్తం టోటల్ కాంపౌండ్ వాళ్ళంతా కూడా పెంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం, లేకుండా మరి గవర్నమెంట్ కూడా ప్రపోజల్ పంపిస్తాం, గవర్నమెంట్ శాంక్షన్ అయినా లేదంటే స్పాన్సర్స్తో అయినా తప్పకుండా అది కాంపౌండ్ వాళ్ళ హైట్ నుంచి పిల్లలకు ఇంతకుముందు ప్రమాదం లేకుండా చూస్తున్నాం. అవతల కూడా హైట్ తప్పకుండా. ఎక్సెకండ్ బోలి UPS లెమన్ నగర్ ఉర్దూ మీడియం స్కూల్ సెన్ సిటీ లెమన్ మే ఇన్ఛార్జ్ హెచ్ఎం బాత్ రూ హమారే స్కూల్ మే జో దీవారం కే జాని కి జాని కి జో ట్రాన్స్ఫర్స్ హై హమ్ కై బార్ మహకమా కో జో ఇస్ జాని తవజ్జు దిలాయ కే యహాన్ సే ట్రాన్స్ఫర్ హటానే కే లియే కే అగర్ ట్రాన్స్ఫర్ యహాన్ సే హట్ జాయేంగే యా హమారీ బౌండరీ వాల్ కో ఊంచా కరేంగే తో హాదసే నహీ హోతే. జో ఆజ్ హాదసా హువా హై వో బచ్చా జో యే 8 సాల్ కా బచ్చా హై వో అడ్మిషన్స్ కే లియే పీర్ కే దిన్ ఆయే థే उनके लिए जो है ना हम आधार कार्ड और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लाने के लिए है, वो अभी लाने में थे कि यह हादसा हो गया, अभी उनका एडमिशन अभी पूरा पूरी तरह से नहीं हुआ था, अनकरीब एडमिशन होने वाला था, यह हादसा हो गया. बच्चा कितने दिन बैठा आपके स्कूल में? 3 दिन से आ रहा, मंडे ट्यूजडे. आज भी आप बच्चा स्कूल आज स्कूल में टाइमिंग पे था? स्कूल के टाइम में था, खाना खा लिया, खाना खा के दौरान हम लोग खाना खाने के बच्चों को खाना खिलाने के बाद हम लोग खाने के लिए बैठ रहे थे, उस वक्त यह हादसा हुआ, तो हम गेट को जो है ना लॉक कर देते, जाने नहीं देते बच्चों को, वो बच्चा जो है ना कैसा गया कि उस जाने जाके सुनने गया. तो आपके पास वॉचमैन नहीं है आपके स्कूल में? वॉचमैन नहीं है. फिर अभी आगे चल के क्या कार्रवाई करना चाह रहे हैं? सॉरी पीटीएफ ले स्कैवेंजर टॉयलेट स्क्लीनर स्वीपर. अभी हम फौरी जो है ना दीवारों के ऊंचाई करेंगे, ट्रांसफर के अतराफ जो भी सेफ्टी हो सके हम हमारी जानब से कोशिश करेंगे कि करेंगे, या महकमे की जानब से भी हम मदद देंगे कि और महकमे की जानब से. पहले फिलफोर जो है ना हमें ट्रांसफर को जो है ना हमारे स्कूल के बच्चों की सेफ्टी के लिए किस तरह क्या एग्जाम आते जाएंगे वो किए जाने की कोशिश करें. इससे पहले भी ऐसा हादसा हुआ था आपके स्कूल के पास, एक थोड़े दिन पहले एक हादसा हुआ था, वो भी बच्चा मरते मरते बच गया था, तो फिर उसके बारे में भी क्या बोलेंगे आप, मतलब सवाल उठाएंगे या फिर क्या करेंगे? मुसलसल उस हादसे से मुसलसल हम कोशिश में हैं कि मुख्तलिफ महकमों को कारपोरेटर के साथ को हर जानब हम तवज्जो दिला रहे हैं कि यहाँ पर बाउंड्री वाल को ऊंचा किया जाए, क्योंकि यही मसला नहीं है, बच्चे दीवारें कूद के भी आ रहे हैं, हम जाली डालने के लिए भी कह रहे हैं, मुकम्मल सेफ्टी हो जाती है बच्चों की, बल्कि कोशिश करेंगे हम जल्द से जल्द जो बाउंड्री वाल का मसला है वो पूरा हल किया जाएंगे हुकूमत की जानब से. तो अब इसके जिम्मेदार कौन है बल्कि बता रहे हैं?
जिम्मेदार तो जो है ना हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तमाम मिलकर अगर इसको बाउंड्री वाल उठाएंगे तो हमारे लिए भी सेफ्टी है, यहाँ के कम्युनिटी के लिए भी सेफ्टी है और तमाम महकमा के लिए भी सेफ्टी है। नहीं, अभी जो शौक लगा बच्चे को उसकी जिम्मेदारी किसकी है, मतलब आप लोगों की है या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की? ये तो सीधा सीधा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की होता ही है, क्योंकि हज़ार बार उनको बताया गया है कि ये बाउंड्री वाल है, यहाँ पर स्कूल के बच्चे रहते हैं, तो एकदम बाउंड्री वाल को लगा कर आप ट्रांसफर डाल रहे हैं तो हादसा होने की गुंजाइश है, तो हज़ार बार उनको इस जानी मुतवजह किया गया, लेकिन वो इस जानी गरीब वाला भी तवज्जो नहीं दिया। वालिद अली अख्तर, उनसे क्लास में अच्छा अभी एडमिशन नहीं हुआ, उनका थर्ड क्लास में होने वाले थे एडमिशन, उन्होंने आधार कार्ड और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लाने के लिए कहे थे, अभी तक नहीं ला के दिए और ला के दिए, हम एडमिट कर रहे हैं।